Hello everyone, welcome back to our new video of fifth video of the coordination compound. और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर की. ये वीडियो कंप्लीट होते होते आप लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर को पूरा सीख चुके होंगे और किसी भी तरीके का IUPAC नाम आपको जब करने को आएगा तो आप पूरा तरीके से उस नेम को कर पाएंगे. और जिन बच्चों को इस टॉपिक में प्रॉब्लम्स आती हैं, ये वीडियो देखने के बाद आपकी सभी टाइप्स की प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी. और यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, चाहे आप बोर्ड एग्ज़ाम की बात करें या आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें, हर एग्ज़ाम में यहां से क्वेश्चन आते ही हैं. मैंने बहुत पहले ही बताया था आपको कि ये टॉपिक ऐसा है जो बहुत अच्छा खासा वेटेज रखता है बोर्ड एग्जाम के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी. तो बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा इस वीडियो को, जिससे कि आपको ये वीडियो पूरा समझ आ सके. सबसे पहले आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है. अगर आप नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही आप बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस करिए, जिससे कि आपको हमारे चैनल से जुड़ी सभी नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिल पाएंगी. और अगर आपने ये वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक करिए. वीडियो को पूरा देखने के बाद आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी ज़रूर कीजिए कि आपको कैसा लगा ये वीडियो. और ये वीडियो उन बच्चों तक जरूर पहुंचाइए जो कोचिंग सपोर्ट नहीं कर सकते, जो बेस्ट नॉलेज तो लेना चाहते हैं बट किसी वजह से वो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप उनका भला जरूर कीजिए और ये जो फ्री एजुकेशन मिल रही है वो इसका लाभ उठा सके. ठीक है, तो जब आप ऐसा करते हैं तो आपको भी बहुत हेल्प मिलती है. जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फिफ्थ वीडियो है. पिछले चार वीडियो में हम लोगों ने लिगेंड्स, लिगेंड्स के टाइप्स और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर पर बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कि कैसे आप ऑक्सीडेशन नंबर को बहुत इजी वे में विद इन अ सेकेंड्स निकाल सकते हैं, कैसे आप कोऑर्डिनेशन नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं और कैसे आप EAN नंबर को भी निकाल सकते हैं. ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो मिस किया है तो जाकर के जरूर देखिए. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और नीचे के वीडियोस को जरूर देखिए. आज हम लोग बात करेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर की. और IUPAC नॉमेनक्लेचर पूरी केमिस्ट्री में दो बार यूज होता है. एक हम लोग यूज करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक जब हम पढ़ते हैं तो हम लोग IUPAC पढ़ते हैं, और दूसरा हम लोग पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नहीं बल्कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम लोग IUPAC पढ़ने वाले हैं. और ऑर्गेनिक से यहाँ की IUPAC काफ़ी डिफरेंस है. ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले IUPAC पढ़ने से पहले हमको एक बार फिर से लिगेंड्स को समझना पड़ेगा. अगर आप लिगेंड्स हमारे पुराने वीडियोस को देखा है तो आप जानते होंगे कि हम लोगों ने लिगेंड्स को ऑन द बेसिस ऑफ आयंस में क्लासिफाई किया था. और हमने वहां पर आपको बताया था कि तीन तरीके के लिगेंड्स होते हैं, एनायनिक लिगेंड्स, कैटायनिक लिगेंड्स और न्यूट्रल लिगेंड्स. हमने वहां पर भी आपको बताया था कि एनायनिक लिगेंड्स को कैसे नेम करते हैं. तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि एनायंस जिनका नेम एंड होता है आइट या एट से, वहां पर इनके नाम में जिनके लास्ट में ई आ रहा है, आप देख पा रहे होंगे मैं इसको सर्कल कर रहा हूं रेड पेन से, जो ये ई है आप इस ई को रिप्लेस करना है ओ से. ठीक है, आइड को आइडो, आइट को आइटो, एट को एटो, ये करना है. अगर हम इसको अप्लाई करें एग्जांपल्स के फॉर्म में तो जैसे आप यहां पर देख पा रहे होंगे NH2- जिसको हम लोग एमाइड बोलते हैं, और अगर हम इस
ई को रिप्लेस करेंगे ओ से तो ये बन जाएगा एम आई टू, ठीक है। इसको आपको यूज करना है अपने आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में, ठीक है। क्लोराइड आई आ रहा है, आईडो में कन्वर्ट करेंगे, इट इज क्लोराइडो। लेकिन हम लोग अब मॉडर्न यू नो जमाने के लोग हैं तो हम लोग पूरा लिखने के बजाय शॉर्टकट में लिख सकते हैं क्लोरो, ठीक है। जैसे गुड मॉर्निंग को हम लोग क्या लिखते हैं, जीएम, गुड नाइट को जीएन। तो इसी तरीके से क्लोराइड पूरा लिखने की जगह आप क्लोरो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे ब्रोमाइड की, ठीक है, तो ब्रोमाइड को हम लोग ब्रोमाइडो या ब्रोमो भी लिख सकते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा सर कि ब्रोमो यूज करेंगे या ब्रोमाइडो यूज करेंगे, आपकी मर्जी है, आप जो भी यूज करेंगे वो दोनों सही होंगे। चाहे आप क्लोराइडो यूज करें या क्लोरो यूज करें, ब्रोमाइडो यूज करें या ब्रोमो यूज करें, अगर बीआर है तो आप इन दो में से कोई भी एक यूज करते हैं कर सकते हैं, और अगर सीएल है तो आप इन दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर एमसीक्यू क्वेश्चन है तो जैसा वो पूछ रहे हैं आपको उसी हिसाब से आंसर करना है, ठीक है। अगर आई लिगेंट में है तो इसे हम आयोडाइड कहते हैं, और हम लोग आईयूपीएसी में नॉमेनक्लेचर के लिए इसे आयोडाइडो या आयोडो यूज करते हैं। वहीं अगर हम साइनाइड की बात करें तो इसे साइनाइडो या साइनो यूज करते हैं। एस माइनस टू ये है सल्फाइड, सल्फाइड को हम सल्फाइडो यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा यहां पर सल्फो नहीं यूज किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ सल्फाइडो ही यूज किया जाता है। एन माइनस थ्री की बात करें तो इट इज नाइट्राइड, नाइट्राइड को हम लोग नाइट्राइडो भी यूज करते हैं। सल्फाइड को हम लोग सल्फाइडो, एसीटेट को एसीटेटो, और NO2 माइनस जिसको हम लोग नाइट्राइट बोलते हैं, नाइट्राइट को हम यूज करते हैं नाइट्राइटो, ठीक है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये जो एसीटेटो है इससे पहले हम लोग एसीटेटो कहां यूज किया है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और मैं सभी के कमेंट्स पढ़ता हूं, ठीक है। न्यूट्रल लिगेंड्स, न्यूट्रल लिगेंड्स, अब हम न्यूट्रल लिगेंड्स की बात करें, इनको आपको याद करना पड़ेगा। वाटर, वाटर के लिए हम लोग यूज करेंगे एक्वा, ठीक है। NH3 के लिए हम लोग यूज करते हैं एमाइन, NH3 के लिए हम लोग एमाइन यूज करेंगे। स्पेलिंग ध्यान रखिएगा ए डबल एम आई एन ई, व्हिच इज एमाइन। CO के लिए हम लोग कार्बोनिल यूज करते हैं, NO के लिए नाइट्रोसिल यूज करते हैं, CH के लिए थायोकार्बोनिल यूज करते हैं, P4 के लिए टेट्रा फॉस्फोरस यूज करते हैं, O2 के लिए हम लोग यूज करते हैं डाइऑक्सीजन, और S8 के लिए हम लोग यूज करते हैं सल्फर, ऑक्टा सल्फर, ठीक है। ये हम लोग न्यूट्रल लिगेंड्स के लिए यूज करते हैं। वहीं अगर हम लोग कैटायनिक लिगेंड्स की बात करें, फिलहाल ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट हम लोग छोड़ना नहीं चाहते कुछ भी, इस वजह से हम आपको कैटायनिक लिगेंड्स भी पढ़ा रहे हैं। कैटायनिक लिगेंड बहुत ही सिंपल है, आपको जो भी लिगेंड्स है उस लिगेंड का नाम लिखिए, और नाम लिखने के बाद आप उसमें आई यू एम ये ऐड कर दीजिए, वो कैटायनिक लिगेंड्स का नाम हो जाएगा, ठीक है। जैसे NH4 प्लस अमोनिया, अमोनिया अमोनिया आयन है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, आई यू एम ऐड कर देंगे, विच इज अमोनियम नाइट्रोसिलियम। और NH2 NH3 अगर आपके सामने है तो आप लोग ये क्या करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजीनियम, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब तक हम लोग लिगेंड्स को जल्दी से खत्म कर चुके हैं, फिनिश कर चुके हैं, ठीक है। तो लिगेंड्स को फिनिश करने के बाद अब हम लोग देखते हैं आईयूपीएसी के कुछ रूल्स। देखिए लिगेंड्स के बाद हम लोग सेंट्रल मेटल एटम पर चलते हैं। उससे पहले आप जान लीजिए कि जो सेंट्रल मेटल एटम होगा वो या तो कॉम्प्लेक्स कैटायन होगा या तो कॉम्प्लेक्स एनायन होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, जो भी सेंट्रल मेटल एटम होगा वो या तो कॉम्प्लेक्स कैटायन होगा, अगर इस बॉक्स के ऊपर, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये कैटायन होगा, अगर ये निगेटिव चार्ज है तो ये एनायन होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो दो केस यहां पर हैं, जैसा कि एक ये दिया हुआ है माइनस चार्ज इसके ऊपर यहां पर है तो
तो अगर माइनस चार्ज है इसका मतलब ये एनायनिक है, यानी ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, एनायनिक है। इधर हम बात करें तो ये प्लस चार्ज है इसके ऊपर, इसका मतलब ये जो प्लस चार्ज है इसका मतलब ये कैटायन है, कॉम्प्लेक्स कैटायन है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर क्या कैटायन और एनायन दोनों कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकते? हो सकते हैं, कैटायन और एनायन दोनों कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। उसका एक अलग केस है और उस केस को भी हम लोग अभी देखेंगे इसको फिनिश करने के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले अब आगे चलते हैं। अब देखिए, जैसा कि अभी मैंने बताया कि या तो कैटायन, या तो आपका सेंट्रल मेटल कॉम्प्लेक्स कैटायन में होगा या कॉम्प्लेक्स एनायन में होगा। ठीक, तो सेंट्रल मेटल एटम अगर कॉम्प्लेक्स कैटायन में होगा तो उसको किस तरीके से लिखेंगे, और अगर कॉम्प्लेक्स एनायन में होगा तो किस तरीके से लिखते हैं? ठीक है, सिंपल सी एक बात समझ लीजिए कि अगर कैटायन में होगा आपका सेंट्रल मेटल एटम, अगर कैटायन में होगा, कॉम्प्लेक्स कैटायन होगा, तो उसका जो नेम है, जो हम लोग कॉमन नेम यूज करते हैं, वही कॉमन नेम लिखेंगे। लेकिन अगर एनायन है, उसका सेंट्रल मेटल एटम एनायन है, तो हम लोग यूज करेंगे उसके लैटिन नाम। ठीक है, उसका लैटिन नाम यूज करेंगे और लैटिन नाम में हम लोग एट जोड़ देंगे। ठीक है, लैटिन नाम जो भी हो उसका, और साथ में एट ऐड कर देंगे अगर कॉम्प्लेक्स कैटायन है तो। ठीक है, कैटायन एनायन इन द सेंस, सॉरी मैं कैटायन बोल गया, एनायन, अगर कॉम्प्लेक्स एनायन है तो हम लोग उसमें लैटिन प्लस एट वर्ड ऐड करेंगे। ठीक है, एनायन इन द सेंस कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा उसके ऊपर निगेटिव चार्ज हो। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो ज्यादातर यूज होते हैं यही। अगर एजी है, यानी जिसे हम लोग सिल्वर बोलते हैं, ये सिल्वर अगर एनायन, जब अगर कैटायन के फॉर्म में यूज होगा तो हम लोग इसे सिल्वर ही लिखेंगे, लेकिन अगर ये एनायन के लिए यूज होगा तो हम लोग इसे, एजी का लैटिन नाम अर्जेंटस होता है, तो अर्जेंटस को एट ऐड करेंगे तो हो जाएगा अर्जेंटेट। फेरस में एट ऐड करेंगे तो हो जाएगा फेरेट, लेकिन अगर कैटायन में यूज करेंगे तो आयरन यूज करेंगे। सीयू, ये कॉपर है, ठीक है, और इसमें एट यूज करेंगे, इट इज क्यूप्रेट। ठीक है, एयू गोल्ड फॉर कैटायन। ठीक है, और एनायन के लिए हम लोग यूज करेंगे ऑरस, ऑरस होता है इसका कॉमन, इसका लैटिन नेम, ऑरस में एट ऐड करेंगे, इट इज ऑरेट। ठीक है, उसके बाद आता है पीबी, पीबी इज लेड। ठीक है, और पीबी का जो लैटिन नेम होता है इट इज प्लम्बेट, प्लम्बस। ठीक है, और प्लम्बस में एट ऐड करेंगे, इट इज प्लम्बेट। नेक्स्ट इज एसएन, एसएन इज टिन, एसएन इज टिन। ठीक है, और एसएन का लैटिन नाम स्टेनस होता है, और स्टेनस में हम लोग एट ऐड करेंगे, हो जाएगा स्टेनेट। ठीक है, मैं एक बार दोबारा से रिपीट करते रहा हूं कि अगर के एनायन है कॉम्प्लेक्स तो आप लोग लैटिन नेम के साथ एट यूज करेंगे, वो उसका आईयूपीएसी नाम होगा। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स कैटायन है तो आप लोग उसका कॉमन नेम ही यूज करेंगे। ओके, कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो आप लोग ज्यादा बेहतर से समझ पाएंगे, लेकिन इससे पहले हमको नेमिंग करनी कैसे है उसके कुछ रूल्स समझ लीजिए। जैसे आपको सबसे पहले कैटायन का पार्ट लिखना है एंड देन आपको एनायन का पार्ट लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कैटायन एंड देन एनायन। ठीक है, ऐसा क्यों? ऐसा आईयूपीएसी ने मजबूर किया हुआ है सबको कि सबसे पहले कैटायन लिखा जाएगा। आप देखिए NaOH क्या लिखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये कैटायन, ये एनायन, ये कैटायन, ये एनायन, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये आईयूपीएसी ने मजबूर किया हुआ है, हम कभी भी नहीं देखते क्लोराइड सोडियम, ऑलवेज बी रिटन
सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो पहला रूल समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग आईयूपीएसी के लिए एक बहुत ही अच्छी ट्रिक लाए हैं, जो भूल जाते हैं बार बार कि किसको कैसे लिखना है, कैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे, कहां से लिखना स्टार्ट करेंगे, तो वो चीज के लिए हम एक ट्रिक लाए हैं। और ट्रिक क्या है? ट्रिक बहुत जबरदस्त है। ट्रिक है एलसीओ। व्हाट इज एलसीओ? एलसीओ इज, एल इज लिगेंड, सी इज सेंट्रल मेटल एटम एंड ओ इज ऑक्सीडेशन नंबर। तीन चीजों को जब हम मिक्स करेंगे, तीन चीजों को जब हम समअप करेंगे, तभी आपका आईयूपीएसी नेम बनेगा, ठीक है। तो चलिए एग्जांपल्स के साथ शुरू करते हैं, और इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एलसीओ का फुल फॉर्म क्या है। व्हाट इज एलसीओ? एलसीओ का मतलब है फर्स्ट नेमिंग ऑफ लिगेंड्स आर डन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। एल फॉर लिगेंड्स, सबसे पहले हम लोग लिगेंड्स को डील करेंगे। जो भी कॉम्प्लेक्स दिया है उस कॉम्प्लेक्स में हम लोग सबसे पहले लिगेंड्स को डील करेंगे। एक लिगेंड है तो आपको जो भी लिगेंड्स है उसको आपको लिख देना है, लेकिन अगर लिगेंड एक से ज्यादा है तो आपको उन लिगेंड्स को सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है और उसी ऑर्डर में आपको लिखना है, ठीक है। ये बहुत ही कॉमन सा रूल है। दूसरा, सेंट्रल मेटल एटम को आपको लिखना है, आपको देखना है कि वो सेंट्रल मेटल एटम कॉम्प्लेक्स कैटायन है या कॉम्प्लेक्स एनायन है, अकॉर्डिंग टू दिस आपको लिखना है। उसके बाद आपको ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो आप ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे उसको आपको रोमन नंबर्स में लिखना है। रोमन नंबर्स क्या है? रोमन नंबर्स आपको पता होंगे, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि अगर आपको एक लिखना है तो आपको ऐसे करके लिखना है, दो लिखना है तो आपको ऐसे करके लिखना है, तीन लिखना है तो आपको ऐसे करके लिखना है, ठीक है, चार लिखना है तो आपको ऐसे करके लिखना है, इस तरीके से पांच में आपको ऐसे लिखना है और छह में आपको ऐसे करके लिखना है। तो ये सारे तरीके हैं आपको रोमन नंबर्स लिखने के, ठीक है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं कि अगर लिगेंड एक से ज्यादा है तो उनके लिए क्या यूज करते हैं। तो इसमें दो केस हैं। केस है पहला, अगर लिगेंड मोनोडेंटेट है और अगर लिगेंड बाइडेंटेट है। सबसे पहले आपको देखना है लिगेंड मोनोडेंटेट है या बाइडेंटेट है। मैंने पिछले ही वीडियो में आपको मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट और हेक्साडेंटेट, पेंटाडेंटेट, इन सभी की एक लिस्ट दी थी। अगर आप पिछला वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको उसी में मैंने सारी वीडियो, सारी टॉपिक्स की आपको डिटेल में आपको बताया है, तो आप वहां से सारी चीजें स्पेसिफिकली देख सकते हैं। तो पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। तो उसमें अगर केस मोनोडेंटेट का है और लिगेंट एक से ज्यादा है, लिगेंट अगर दो हैं तो हम लोग यूज करेंगे डाई, लिगेंट तीन है ट्राई, लिगेंट चार है टेट्रा, ठीक है, पांच है पेंटा, छह है हेक्सा, इस तरीके से यूज करेंगे। लेकिन अगर लिगेंट पॉलीडेंटेट है, ठीक है, मींस मोनोडेंटेट नहीं है, तो हम लोग दो के लिए बेस, तीन के लिए ट्रेस, चार के लिए टेट्रेस, इस तरीके से हम लोग आगे यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे इसके अगला रूल हो गया। अब हम लोग एग्जांपल्स की तरफ मूव करते हैं और जो कुछ भी रह जाएगा वो हम लोग यहां पर देखेंगे। आपके सामने सबसे पहले लिखा है K4FeCN का होल सिक्स, ठीक है। अब आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि पोटेशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। यहां पर चार पोटेशियम है तो चार प्लस आएगा और यहां पर उतना ही काउंटर करने के लिए माइनस चार आएगा, ठीक है। अब मैंने आपको सबसे पहले बताया कि सी ए का रूल है, यानी सबसे पहले कैटायन एंड देन एनायन। तो सबसे पहले आप कैटायन लिख दीजिए, कैटायन है पोटेशियम तो आप पोटेशियम का नाम लिख दीजिए, समझ में आ गया। आपने पोटेशियम लिख दिया, कोई मैटर नहीं करता कि कितना कैटायन है, ठीक है, सिर्फ मैटर करेगा लिगेंड्स कितने हैं। तो लिगेंड्स में आपको बताना है कि हेक्सा है कि पेंटा है कि टेट्रा है, ठीक है, तो वो आपको देखना है। आपको कैटायन नहीं लिखना है कि कितना कैटायन है, ठीक है, तो आपने लिख दिया। इसके बाद अब हम मूव करेंगे एलसीओ रूल पर। इस कॉम्प्लेक्स को सॉल्व करने के लिए एलसीओ पर चलेंगे। एलसीओ का मतलब सबसे पहले लिगेंड से डील करो, ठीक है। लिगेंड हमने ये देख लिया, ये लिगेंड है,
लिगेंड इज साइनाइड, साइनाइड के लिए हम लोग साइनो या साइनाइडो यूज करेंगे। कितने हैं? छह हैं, तो छह के लिए लगाते हैं हेक्सा। क्यों? क्योंकि ये है मोनोडेंटेट और आपको पता है मोनो में हेक्सा लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हेक्सा साइनाइडो और ये माइनस चार्ज इसके ऊपर लगा हुआ है, यानी कि ये एनायन है। और एनायन में हमने आपको बताया कि लैटिन के साथ एड एट ऐड करते हैं, ये हो जाएगा फेरेट। ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर हो जाएगा टू, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो फेरेट टू, ठीक। दूसरा इसका नाम ये भी हो सकता है पोटेशियम, सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे, पोटेशियम हेक्सा और यहां पर साइनाइडो की जगह हम साइनो यूज कर सकते हैं फेरेट टू। दोनों नाम सही हैं, ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि बहुत से लोग ऐसा पूछेंगे कमेंट में बाद में कि क्या साइनो सही नहीं है या हम सिर्फ साइनाइडो यूज करते हैं। मैंने पहले भी बता चुका हूं कि आप साइनाइडो या साइनो कुछ भी यूज कर सकते हैं। आप मॉडर्न के लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं, आप प्राचीन भाषा भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अच्छा यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात है, बात इंपॉर्टेंट ये है कि जो कैटायन और एनायन का पार्ट है इसके बीच में आपको स्पेस रखना है। देखिए यहां पर आपको स्पेस रखना है, आप कैटायन को खत्म करते ही या एनायन को खत्म, सबसे पहले आपको कैटायन लिखना है, तो जैसे ही आप कैटायन खत्म करिए आप तुरंत वहां पर एक स्पेस, छोटा सा स्पेस दे करके और एनायन को तब लिखिए, ठीक है। ये एक और इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। आगे चलते हैं, आप इन सबको नोट करते चलिए जरूर कॉपी और पेन के साथ, ठीक है, तभी आपको ज्यादा समझ आएगा। अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज AgNH3 का होल ट्वाइस Cl, ये प्लस वन और ये माइनस वन, ठीक है। तो सबसे पहले कैटायन से डील करना है तो कैटायन को देख लेते हैं। कैटायन में भी क्या LCO रूल लगाना है, LCO रूल, ठीक है। तो LCO रूल, सबसे पहले लिगेंड, लिगेंड है मोनोडेंटेट है तो यूज करेंगे डाई। ये क्या है, एमाइन, AMMIN, ऑलवेज चेक द स्पेलिंग, डाई एमाइन। उसके बाद है क्लोराइड, ठीक है, यूज करते हैं क्लोरो, क्लोरो या क्लोराइडो, ठीक है। एंड लास्ट में हम लोग एजी है, एजी के लिए क्या यूज करेंगे, अर्जेंटेट या सिल्वर। अर्जेंटेट नहीं यूज करेंगे क्योंकि ये प्लस वन में है, कैटायन में है, इसलिए क्या यूज करेंगे, सिल्वर, ठीक है। और यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना होगा, प्लस टू, ठीक है। कैलकुलेट कर लीजिए, लास्ट वीडियो में मैंने सिखाया है, ठीक है। और लास्ट में थोड़ा सा स्पेस देकर के हम लोग क्या लिखेंगे, एनायन, इट इज क्लोराइड, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज K2HgI4-2, कैटायन एनायन को अलग करें। सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए कैटायन और एनायन को अलग करना। तो कैटायन और एनायन को अलग करा, कैटायन है पोटेशियम और एनायन है, कैटायन आपका है पोटेशियम और एनायन है HgI4, ठीक है। तो सबसे पहले आप कैटायन को लिखिए, कैटायन इज पोटेशियम, स्पेस देंगे और एनायन को लिखेंगे। एनायन में LCO रूल लगाइए, LCO रूल लगाएंगे तो ये है आयोडाइड, ठीक है। आयोडाइड है कितने, चार, तो इसलिए, और ये मोनोडेंटेट है इसलिए क्या यूज करेंगे, टेट्रा आयोडाइडो, या यहां पर हम लोग यूज कर सकते हैं आयोडो, ठीक है, दोनों सही है। उसके बाद मर्क्यूरेट, क्यों, क्योंकि यहां पर माइनस चार्ज है इसलिए मर्क्यूरेट एट यूज करेंगे, ठीक है। अगर लैटिन नेम है तो लैटिन नेम के साथ एट, नहीं तो कॉमन नेम के साथ एट, ठीक है। और यहां पर हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर प्लस टू लिखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज AlIAlH4-1, ठीक है। यहां पर कैटायन एनायन को अलग करेंगे तो कैटायन है Li और एनायन है -1, ठीक है। तो सबसे पहले कैटायन को लिखेंगे, इट इज लिथियम, स्पेस देंगे और फिर LCO रूल लगाएंगे। LCO रूल में ये है हाइड्रोजन है आपका लिगेंड, हाइड्रोजन के लिए हम लोग लिखते हैं हाइड्रो, ठीक है, हाइड्राइडो यूज करेंगे, है चार इसलिए लिखेंगे टेट्रा हाइड्राइडो। और ये माइनस वन में है यानी कि ये एनायनिक लिगेंड एनायन में है तो इसलिए एनायन के लिए हम लोग लिखते हैं एल्यूमिनेट, ठीक है। और ऑक्सीडेशन नंबर होगा यहां पर प्लस का थ्री,
ठीक है, इस वजह से यहां पर ये लिखेंगे। ठीक है, हर जगह आपको एलसीयू रूल अप्लाई करने को देखने को मिल रहा होगा, इसलिए आपको एलसीयू रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं लीगेंड्स। अगला लीगेंड्स देखिए, यहां पर कितने सारे, एक दो लीगेंड्स यहां पर हैं, एक दो तीन लीगेंड्स नाम, यानी जितनी वैरायटी मिल सकती है क्वेश्चंस की, सारी हम लोगों ने यहां पर आपको दिखाने की कोशिश करी कि किस टाइप के क्वेश्चंस मिल सकते हैं। ठीक है, पहला काम कैटायन एनायन अलग करना, सबसे पहले कैटायन को लिखना फिर एनायन को लिखना। ठीक है, और देखिए सबसे पहले हम लोग कैटायन को लिखेंगे। कैटायन में सबसे पहले आप एलसीयू रूल लगाएंगे। एलसीयू रूल देखिए, सबसे पहले लिगेंड, लिगेंड दो है तो हम अल्फाबेटिकल लिखेंगे। ये है आपका थायोसाइनाइटो और ये है आपका एमाइन, तो इसलिए ए पहले आता है, इसलिए ये सबसे पहले लिखा जाएगा। ये मोनोडेंटेट है और ये पांच है, तो इसलिए यूज किया जाएगा पेंटा एमाइन आइसोथायोसाइनाइटो। ठीक है, इसके लिए क्या यूज करते हैं, NH2 के लिए आइसोथायोसाइनाइटो। ठीक है, या थायोसाइनेटो एन, क्योंकि यहां पर N डोनेट करता है, नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, इसलिए यहां पर थायोसाइनाइटो N भी यूज करते हैं। तो नाम हो जाएगा पेंटा एमाइन आइसोथायोनाइटो आइसोथायोसाइनेटो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल इज, नेक्स्ट एग्जांपल है CONH3 का होल 4 H2O Br प्लस 2 और NO3 का होल ट्वाइस माइनस टू। ठीक है, कैटायन एनायन को अलग करेंगे, सबसे पहले कैटायन देन एनायन। कैटायन में लगाएंगे एलसीयू रूल, एलसीयू रूल के अकॉर्डिंग यहां पर तीन लिगेंड हैं, तो ये एमाइन है, ये एक्वा है और ये ब्रोमाइड है। अब क्या करें, ये भी ए है, ये भी ए है, चलो ये तो बी है, तो एक्वा में अब इसके बाद नेक्स्ट लेटर पे जाएंगे, ए डबल एम, ये ए एम है, ये ए क्यू है, तो इसलिए ए एम पहले आता है, इसलिए ये पहले लिखा जाएगा। ठीक है, मोनोडेंटेट है, चार लिगेंड है, तो हो जाएगा टेट्रा एमाइन एक्वा, इसके लिए क्या यूज किया जाता है, एक्वा, तो हो जाएगा एक्वा ब्रोमाइडो या ब्रोमो कोबाल्ट 3 नाइट्रेट। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है इसका नोमेनक्लेचर। ठीक है, इट्स वेरी 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 सिंपल। आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद इन्हीं एग्जांपल्स की जरूर प्रैक्टिस करिए, और कहीं पर अगर आप फंस रहे हैं, कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है, कोई भी बुक से आप लगा सकते हैं, आप यू आर फ्री, चाहे आप किसी भी बुक से आप IUPAC नॉमिनेशन करिए, और अगर आप फंस रहे हैं तो आप हमारे नीचे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के मैसेज कर दिए, या आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, दोनों जगह आपको रिस्पांस किया जाएगा। ठीक है, आपके जो भी क्वेश्चन होगा उसको एज सून एज पॉसिबल सॉल्व किया जाएगा। इसमें देखिए कितने सारे लिगेंड्स दे दिए, एक दो तीन चार लिगेंड्स दिए हैं। ठीक है, मैंने पहले भी बोला वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेगा। ठीक है, जितने ज्यादा क्वेश्चंस मिल सकते हैं वो सारे यहाँ पर आपको अवेलेबल कराए गए हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कैटायन एनायन को अलग करना, कैटायन को अलग कर लिया, एनायन को अलग कर लिया, सबसे पहले अब इसको सॉल्व करेंगे, एलसीयू रूल लगाएंगे। ठीक है, एलसीयू रूल लगाया, सबसे पहले लिगेंड्स को लिखेंगे, ये है इथाइलिन डाइएमीन, ई से स्टार्ट होता है, ये ए से स्टार्ट होता है, ये एन से स्टार्ट होता है, ये सी से स्टार्ट होता है। सबसे पहले ये आएगा, देन ये आएगा, एंड देन ये, एंड देन दिस। ठीक है, ये आएगा, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं एमाइन की तरफ। एमाइन है दो, मोनोडेंटेट है, इसलिए यूज करेंगे डाई एमाइन। उसके बाद हम लोग क्लोराइड की तरफ बढ़ेंगे, तो इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे, क्लोराइडो या क्लोरो। ठीक है, क्लोराइडो लिखा है, क्लोरो भी होता है, तो भी सही होता है। ठीक है, देन ई की तरफ चलेंगे, इथाइलिन डाइएमीन यूज करेंगे, एक ही है इसलिए इथाइलिन डाइएमीन। ठीक है, डाइएमीन, उसके बाद हम लोग यूज करेंगे NH3 का होल ट्वाइस, सॉरी उसके बाद हम लोग यूज करेंगे NO2, इट इज नाइट्रो N, क्योंकि N डोनेट कर रहा है इसलिए नाइट्रो N। ये हो जाएगा प्लैटिनम 4 क्लोराइड, प्लैटिनम 4 क्लोराइड। ऑक्सीडेशन नंबर आप कैलकुलेट करिए, करेंगे तो यहां पर प्लस 4 ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट हो आप प्लीज कमेंट में जरूर मेंशन करिए। ठीक है, आगे चलते हैं, लास्ट एग्जांपल्स को देखते हैं और उसके बाद आगे का टॉपिक कवर करते हैं। इट इज K2ZnOH का होल 4 माइनस 2। कैटायन एनायन अलग करना, सबसे पहले कैटायन लिखना, इट इज पोटेशियम टेट्राहाइड्राइड हाइड्रोक्सो जिंकेट 2। ठीक है, क्यों लिखा ऐसा, सबसे पहले पोटेशियम लिखा, लिगेट को देखा, लिगेंट इज दिस,
ठीक है, चार लिगेंड है इसलिए टेट्रा यूज किया, जिंक के लिए जिंकेट यूज करेंगे क्योंकि -2 है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कौन सा है, कॉम्प्लेक्स है एनायन, ठीक है, इसलिए हम लोग 8 यूज करें। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, CuH2O का होल ट्वाइस, NH3 का होल 4 प्लस 2 Cl2 -2, ठीक है। अब यहां पर हम लोग LCO रूल यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। कैटायन एनायन में एनायन पहले, कैटायन पहले आएगा इसलिए कैटायन को सॉल्व किया। सबसे पहले हम लोग NH3 को लिखेंगे क्योंकि AM पहले आता है, AQ बाद में आता है, ठीक है, तो इसलिए ये हो जाएगा टेट्रा एमाइन डाइएक्वा कॉपर टू क्लोराइड। आई होप यू अंडरस्टैंड। आई अगेन सेड कि आपको कोई कंफ्यूजन है आप प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। चलो कुछ और एग्जांपल्स हैं, आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। CuCl2 En का होल ट्वाइस प्लस 2SO4 -2। कैटायन एनायन को अलग करिए, सबसे पहले कैटायन को लिखिए देन एनायन को लिखिए, सिंपल से रूल है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या यूज करेंगे, एलसीओ रूल, अब तक तो आपको रट गया होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सेंट्रल मेटल एटम ये है, बाद बाकी सारा लिगेंड है, तो लिगेंड में हम लोग देख लेते हैं, ये ई है ये सी है, तो सी पहले आएगा ई बाद में आएगा, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सी। ये मोनो लिगेंड है, दो लिगेंड्स दिए हुए हैं इसलिए लगाएंगे डाई क्लोरो या डाई क्लोराइडो, क्लोराइडो लिखा हुआ है तो डाई क्लोराइडो हो जाएगा। आप लोग क्या भी लिख सकते हैं, डाई क्लोरो भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद इथाइलिन डाई एमीन है, दो दिए गए हैं, ठीक है। यहां पर हम डाई नहीं यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि ये एक बाइडेंटेट लिगेंड है और मैंने आपको पहले ही बताया है एक्सेप्ट मोनोलिगेंड्स, मोनोलिगेंड को छोड़ करके दो तीन चार आएगा तो वहां पर हम लोग बिस ट्रिस टेट्रिस इस तरीके से यूज करेंगे, ठीक है। तो दो के लिए बिस लगाएंगे, इथाइलिन डाइएमीन लिखेंगे, कोबाल्ट लिखेंगे क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है, कोबाल्ट, ठीक है। और इसके बाद हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे एंड देन लास्ट में हम लोग लिखेंगे लिगेंड, ठीक है, इट इज सल्फेट। नेक्स्ट इज निकिल डाइमेथाइल ग्लाइऑक्सीमेट और उसके बाद का होल ट्वाइस है, ठीक है। और ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, और केमिस्ट्री में न्यूट्रल को एज पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, सबसे पहले इसको एलसीओ को डील करेंगे, तो एलसीओ में आएगा सबसे पहले बेस क्योंकि दो दिए हैं, डाइमेथाइलिन ग्लाइऑक्सीमेट, निकिल को हम लोग यूज करेंगे निकिल क्योंकि ये प्लस कंसीडर किया है इस वजह से, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +4, ओके। नेक्स्ट इज अवर नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कंपाउंड्स इन विच कैटायन एज वेल एज एनायन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यहां पर जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मैं कैटायन और एनायन जब दोनों कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दो एग्जांपल्स के साथ समझते हैं, ठीक है। करना कुछ नहीं है, सिंपल सा रूल है, जो पुराने रूल्स हैं उन्हीं के ऊपर चलना है, ठीक है। आपको सबसे पहले कैटायन एनायन को अलग करना है, सबसे पहले आपको कैटायन का नाम करना है देन एनायन का नाम करना है, ठीक है। दोनों में सेम रूल लगेंगे, दोनों को अलग अलग ट्रीट करना है और अलग अलग ही लिखना है, ठीक है। देखिए अब ये है, सबसे पहले आप इसको अलग कर लीजिए, कौन पॉजिटिव कौन कौन कैटायन कौन एनायन, IUPAC का रूल है, सबसे पहले आपको कैटायन लिखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर ये वाला जो है ये +2 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये +2 स्टेट में होगा, ये -2 स्टेट में होगा, इसको भी किसी दिन हम लोग टेकअप करेंगे कि ये क्यों +2 है क्यों -2 है, ठीक है। चलिए ये +2 ये -2 ये हो गया। अब आपको यहाँ पर अलग एलसीओ रूल लगाना है और यहाँ पर अलग एलसीओ रूल लगाना है, बात खत्म हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर आपको PtNH3 का होल 4 +2, ठीक है, ये क्या है कैटायन है और ये क्या है एनायन है, ठीक है। बस दोनों में एक चीज का डिफरेंस रहेगा, सेंट्रल मेटल एटम का, बाकी चीजें ऑलमोस्ट सेम रहेंगी, ठीक है। यहाँ पर PtNH3 का होल 4 लिगेंड्स को देखिए, लिगेंड्स है एमाइन, चार दिए, हो जाएगा टेट्रा एमाइन प्लैटिनम 2, ओके। अगर यहां पर बात करूंगा तो इट इज प्लैट PtCl4 -2, इट इज एनायन, और यहां पर हो जाएगा टेट्रा क्लोराइडो या क्लोरो प्लैटिनेट, क्यों, इट इज एनायन, कॉम्प्लेक्स इज एनायन एंड ऑक्सीडेशन नंबर इज 2, सो दैट्स व्हाई इट्स नेम, ठीक है। अगेन यहां पर सबसे पहले कैटायन एनायन को अलग करेंगे, दोनों में एलसीओ रूल लगाएंगे, डिफरेंस एक का होगा, जो
कॉम्प्लेक्स एनायन होगा उसमें सेंट्रल मेटल एटम में नाम लिखने के बाद आपको 8 ऐड करना पड़ेगा, लेकिन कैटायन में ऐसा नहीं करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल इसी का देख लेते हैं। एक एग्जांपल देखिए, अब ये AgNH3 का होल ट्वाइस, होल 3 COC2O4 दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये वाला जो 3 दिया है, अच्छा यहां पर प्लस 1 चार्ज होगा, प्लस चार्ज होगा, और यहां पर माइनस चार्ज होगा, लेकिन ये 3 दिए हैं इस वजह से यहां पर कितना चार्ज होगा, प्लस 3, काउंटर करने के लिए यहां पर माइनस 3 चार्ज होगा। ठीक है, इसको इजी लैंग्वेज में यहां पर समझा दिया गया है, ये 3 को आगे लिख दिया गया है, यहां प्लस है, इट मींस यहां पर प्लस 3 चार्ज है, काउंटर करने के लिए यहां पर माइनस 3 चार्ज है। अब आपको कैटायन एनायन ने आपको अलग कर लिया, अब आप क्या करिए, एलसीओ रूल लगाइए यहां पर भी और यहां पर भी। ठीक है, सबसे पहले आप लिगेंड्स को अलग करिए, ये लिगेंड है, यहां पर भी ये लिगेंड्स अलग कर लिया, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम ये है, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के लिख देंगे, लिगेंड है एमाइन, दो है इसलिए लिखेंगे डाई एमाइन, नाम हो जाएगा इसका डाई एमाइन। ठीक है, एजी के लिए ये क्या है, कैटायन है, कॉम्प्लेक्स इज कैटायन, सो यूज इज कॉमन नेम, इट इज सिल्वर। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर इज 1। ठीक है, अच्छा यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर जब निकालेंगे तो आएगा प्लस 3। ठीक है, तो याद रखिएगा, और यहां पर ये देखिए C2O4, ये क्या है, ऑक्सिलेटो, मैंने स्ट्रक्चर भी बताया है आपको सेकंड वीडियो में, जो मेरा पार्ट 2 है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, वहां पर मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर भी बताया है। ठीक है, तो अगर आपको देखना है तो आप जाइए कमेंट सेक्शन में, लिंक दी हुई है, जरूर देखिए। ठीक है, इसको लिखते हैं ऑक्सिलेटो। ठीक है, ये 3 दिए हुए हैं और ये एक बाइडेंटेट है, इस वजह से इसको लिखेंगे ट्रिस, 3 के लिए क्या लिखते हैं, ट्रिस, ऑक्सिलेटो, और CO है कोबाल्ट, और ये एक एनायन है, दैट्स व्हाई इट इज कोबाल्टेट, और यहां पर जो इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर होगा इट इज प्लस 3। ठीक है, तो नाम हो जाएगा ट्रिस ऑक्सिलेटो कोबाल्टेट। ठीक है, तो ये इसका नाम हो जाएगा। ये IUPAC नेमिंग का एक वीडियो है जिसमें हमने आपको समझाया कि कैसे आप IUPAC नेमिंग को इजी लैंग्वेज में सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ आया होगा। कहीं पर कोई डाउट रह गया है, कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप जाकर के जरूर पूछिए, और आप ये वीडियो अपने दोस्तों को, ऐसे लोगों को जो क्लास 11th में है, या ऐसे बच्चे जो नीट की तैयारी अपने घर पर कर रहे हैं, या उनको अच्छी क्लासेस नहीं मिल रही हैं, आप उनको जरूर ये वीडियो शेयर करिए जो आपके दोस्त हैं। ठीक है, और कहीं पर कोई डाउट रह गया है आपको या किसी को भी, तो आप जरूर हमें बताइए। आप हमारी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक नीचे दी हुई है। अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली कुछ ना कुछ नया मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पर आपको सिलेबस के साथ साथ आपको एजुकेशन से रिलेटेड न्यूज़ भी आप डेली मिलेगी, जैसे आपका रिजल्ट कब आ रहा है, आपका टर्म 2 एग्जाम कब हो रहा है, नीट का फॉर्म कब आ रहा है, नीट का फॉर्म का एडमिट कार्ड कब आएगा, इस तरीके से जुड़ी सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। और बहुत जल्द यहाँ पर बायो केमिस्ट्री फिजिक्स, केमिस्ट्री की क्लासेस आपकी ऑलरेडी चल रही हैं, फिजिक्स और बायोलॉजी ये दोनों सब्जेक्ट्स के टीचर आपको एज सून एज पॉसिबल मिलने वाले हैं, तो आप बने रहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको अब तीनों सब्जेक्ट्स की जल्द से जल्द फैकल्टी ला करके, और जो सभी बच्चे जिसकी बोल रहे हैं कि आप तीनों सब्जेक्ट्स प्रोवाइड करवाइए अपने चैनल पर, तो बहुत जल्द आपको तीनों सब्जेक्ट्स मिलने वाले हैं। बस आप बने रहिए हमारे साथ और इसी तरीके से आप अपना सपोर्ट दिखाते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और लाइक का बटन तो अब तक आपने दबा दिया होगा, नहीं दबाया तो जरूर उसको प्रेस करिए। कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।